राम राम जी सारे नो फुली सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे यहाँ पे ईवीएस का पेपर के बारे में, ठीक है भाई। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनको ये नहीं पता कि भाई ईवीएस का पेपर क्या होता है, ये क्यों देना जरूरी होता है, क्या ये कंपलसरी होता है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं ईवीएस का पेपर की। तो भाई आप जो भी ग्रेजुएशन कर रहा स्टूडेंट उसको ईवीएस और कंप्यूटर दो पेपर देने जरूरी होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का हो जाता है लेकिन ईवीएस का बहुत सारे स्टूडेंट मिस कर देते हैं पेपर को, तो वो ईवीएस का पेपर नहीं दे पाते। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक बार ईवीएस का पेपर 3 साल में जरूरी होता है देना, उसके बिना आपकी डिग्री अटक जाती, यानी कि आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती ईवीएस और कंप्यूटर के पेपर के बिना। तो एक साल में आपका हर साल ये पेपर होता है आपका, सेकंड सेमेस्टर में, फोर्थ में और सिक्स सेमेस्टर में, ठीक है। आपकी मर्जी, आप किसी भी साल में ये पेपर देना चाहो। अब बात करते हैं इसमें आपका क्या स्टडी मटेरियल रहेगा। तो इसका जो स्टडी मटेरियल होता है वो आपको टीचर भी प्रोवाइड करवा देते, वैसे आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो जो आपने मतलब बेसिक एसएस पढ़ी होगी, सोशल स्टडीज, उसमें भी आ जाता, तो बेसिक ही होता है, इसमें ज़्यादा कोई वो नहीं होता, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं कि इसमें नंबर कितने होते हैं, क्या वो परसेंटेज इंक्रीज करने में काम आते हैं। तो इसमें जो आपके नंबर होते हैं वो नंबर नहीं दिए जाते, इसमें आपकी ग्रेड दी जाती है, ए ग्रेड, ए प्लस, बी ग्रेड, बी प्लस, सी ग्रेड, ठीक है, ये ग्रेड दी जाती है। और इसमें सिर्फ आपका यही होता है कि आपको ये पेपर देना होता है। आपका कंप्यूटर और ईवीएस में से कोई भी पेपर मिस हो जाता तो आपकी डिग्री अटक जाती है, तो इसलिए आपको ये पेपर देने जरूरी होते हैं। अभी ये कल से एक न्यूज़ आ रही है कि आपकी डिग्री अटका दी जाएगी अगर आपने ईवीएस का पेपर नहीं दिया। तो भाई जल्दी से जल्दी जिस भी स्टूडेंट का ईवीएस का पेपर नहीं दिया अभी तक उसने, चाहे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड हो, फाइनल हो, वो अपने ईवीएस के टीचर से बात कर ले कि आपका जो पेपर है वो कब होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।